पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पीडीएम इजलास में सुनी जाएगी। फजलुर रहमान कहते हैं कि पीडीएम टूटने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, ना अहलों से मुल्क को निजात दिलाना कौमी फरीजा बन चुका है। इख्तलाफ राय पर बगले नहीं बजानी चाहिए, ये तो होता है। हुक्मरान हिमाकतों के दरिया में डूबे हुए हैं। हक सच पर डटे रहना, तकालीफ सहना बुजदिलों का काम नहीं। मरियम नवाज का कहना है कि बहुतान तराशी आसान है मगर इसका भी योम हिसाब है। साजिशों को बेनकाब करने के कुदरत के अपने तरीके हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत के पास गालियां देने वाली टीम है, मुल्क बनाने वाली नहीं। हमने कर्जे लिए तो मोटरवेज बनाई, बिजली पैदा की। इमरान खान साबित करें, क्या कहीं एक ईंट भी लगाई। चिश्तियां के करीब अड्डा पुल मुराद पर स्टूडेंट्स और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान झगड़ा, 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रही। थाना डहरा वाला पुलिस मौके पर पहुंच गई। चिश्तियां से इखलाक खान मजीद तफसीलात बताएंगे। जी इखलाक, क्या तफसीलात हैं इस वाकये की, बताइएगा। मैं अड्डा पुल मुराद पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे आंखों में देख सकते हैं कि ये काफी रश है और यहाँ पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के जो नौजवान है वो भी पहुँच चुके हैं और कल का जो थाना है डारा वाला उसकी नफरी भी मौके पर पहुँच चुकी है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट और ट्रांसपोर्टर हमले की आपस में कुछ क्लैश जारी है कि वो उनको नहीं बिठाया जा रहा, लेकिन उनकी क्या वजह है, क्यों उनको बिठाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जो कि स्टूडेंट यूनियन के जो सदर है वो हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मुकालबात है, क्या इनका मामला है, किस वजह से ये मामला पेश आया, क्योंकि ट्रैफिक इसके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए। फैसला करने आया और हम पर अत्याचारी कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। ये हमने नहीं किया, एक स्टूडेंट को मारा, उसको पकड़ा, उसको गाड़ी में बिठाया, धमकिया दी हमें, हमें मार रहे हैं। ये हमारा कौन सा काफिला है? बिल्कुल इनका कहना है कि हमें उल्टा जो हमारे फसाद है उनको तो नहीं दूर किया गया, लेकिन जो कि हमारे वैसे मामला है पूरे होते हैं। इस्लाम कोर्ट में ताजिर बरादरी की जानिब से ताजिर एसोसिएशन का कयाम अमल में लाया गया। इस हवाले से मुनक़दा तकरीब में नई एसोसिएशन के अरकान का ऐलान किया गया। सदर एसोसिएशन कृष्ण लोहानो, नायब सदर राशिद बजीर, जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक रहमान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राजा बाबू, ज्वाइंट सेक्रेटरी विमल कैसरानी, खजानची रामचंद, प्रेस सेक्रेटरी धानो भेल और ऑफिस सेक्रेटरी आकाश मुखी को मुतनी किया गया। जाम शोरों में सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मेहरान यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम हॉल में प्लाटों की 3 रोजा नैलामी की इख्तितामी तकरीब। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल और नैलाम कमेटी के चेयरमैन मुनीर अहमद ने नीलामी की निगरानी की। नीलामी में तिजारती और फलाही प्लाटों की नीलामी की गयी जिससे SDA को अरबों रुपए वसूल हुए। PG मुनीर सोमरो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नीलामी से हासिल होने वाली रकम से मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएंगी, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तरक्याती काम कराए जाएंगे। बारखान में क्वेटा से पंजाब जाने वाली बस छप्पर के मुकाम पर हादसे का शिकार। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, 6 अफराद शदीद जख्मी। मकामी लोगों और निजी तंजीम अमन कमेटी ने जाए वकुआ पर पहुंचकर तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया।